आज घर के काम इतने थे कि लंच बनाने में हो गई है काफी ज्यादा देरी। और फ्रिज में कोई सब्जी भी ऐसे नहीं थी, रखा था पनीर और शिमला मिर्च। मैंने सोचा चलो पनीर भुर्जी बनाते हैं, बट थोड़ा सा हेल्दी स्टाइल में। तो बस यहाँ पर जो मैंडेटरी या नीडी सब्जियाँ होती हैं वो मैंने चॉप कर ली है, क्योंकि लेट हो रहा था तो चॉपर की मदद ले ली है। तो प्याज चॉप कर लिया है, साथ में लहसुन और अदरक का पेस्ट फ्रिज में ख़त्म हो गया था, जो कि बनाना है, टाइम मिलेगा तब बनाऊंगी। अभी इस तरीके से मैंने कुटनी से कूट लिया है। चलिए अब हम बना लेते हैं पनीर भुर्जी। तो मैंने तेल डाल दिया है, इसमें जीरा और अदरक लहसुन का पेस्ट, प्याज भी मैंने डाल ली है। और जब तक प्याज पक रही है तब तक हम टमाटर भी कट कर लेते हैं। कोई भी चीज़ पहले से करके नहीं रख रही हूँ, जैसे जैसे हमारा खाना बनता जाएगा वैसे वैसे हम आगे बढ़ते जाएंगे अपने सफ़र में। आजकल इतनी गर्मी हो रही है ना, किचन में आते ही बिल्कुल पसीना आने लगता है। चलिए प्याज हमारी हो गई है, टमाटर भी मैंने चॉप कर लिए हैं, टमाटर भी डाल देते हैं। मैं बारीक चॉप कर रही हूँ ताकि कुकिंग प्रोसेस हमारा फास्ट हो जाए। अब टमाटर डाला है तो टमाटर को जल्दी पकाने के लिए नमक भी डाल देते हैं। अब जैसा कि मैंने बोला फ्रिज में कोई सब्ज़ी नहीं थी, शिमला मिर्च थी, तो शिमला मिर्च को भी ना मैंने चॉपर में चॉप कर लिया है। अब कुछ मसाले डालने हैं तो हल्दी पाउडर, धनिया पाउडर, लाल मिर्च पाउडर, चिकन मसाला पाउडर बहुत टेस्टी लगता है, काले मिर्च का पाउडर और कसूरी मेथी ऑब्वियसली जाएगी ही जाएगी अगर आप कोई सी भी पनीर की डिश बना रहे हैं। और फिर फाइनली मैंने इसमें डाल दी है शिमला मिर्च, जो कि हमने चॉप करके रखी थी। शिमला मिर्च को ना हल्का सा भून लेना है और उसके बाद इसमें मैं डाल देती हूँ पनीर। तो करीबन 250 ग्राम पनीर मैंने ले लिया है और इसे बस मैं हाथों से इस तरीके से क्रश कर रही हूँ। कोई मेरे पास टाइम भी नहीं है कि मैं ग्रेट कर सकूँ, तो बस जल्दी जल्दी वाला सारा हम काम कर रहे हैं आज। और थोड़ा सा पानी डालेंगे ताकि ना थोड़ा लिक्विड होता है तो खाने में अच्छा लगता है, राइट? क्योंकि हेल्दी था ना तो मैंने तेल थोड़ा कम रखा है और शिमला मिर्च डाल दी है। अगर आप मस्त ऐसी बनाना चाहते ना तो थोड़ा बटर का तड़का और मारिए और थोड़ा ना शिमला मिर्च कम कर दीजिए। मैं कभी वैसा भी आप सभी के साथ में शेयर करूँगी। चलिए क्योंकि हेल्थ की बात हम कर रहे हैं तो आज हम बना लेते हैं रागी की रोटी। तो बस एक कटोरी रागी का आटा था तो एक कटोरी मैंने पानी ले लिया है, इसमें मैंने थोड़ा सा घी और थोड़ा सा नमक डाला है। जब पानी अच्छा गर्म हो गया था तो रागी का आटा इसमें मैंने डाल दिया और अच्छी तरीके से मिक्स कर दिया है और फिर ढक के रख दिया है। ज़्यादा देर नहीं, 5 मिनट के लिए इसे हमें ढक करके रखना है। 5 मिनट हो गए हैं तो जो हमने रागी का आटा बनाया था उसे एक परात में निकाल लेते हैं। हम उसे अच्छी तरीके से नीट कर लेंगे। अगर आपको लगता है कि गड़क है तो हल्का सा पानी का छींटा और दे सकते हैं, अदरवाइज़ ऐसे आटा बहुत सही बनता है। इक्वल रखिएगा पानी और आटा, बहुत बढ़िया आटा बनेगा। और ऐसा करने से ना रोटियां बनाने में दिक्कत नहीं होती है, बहुत अच्छे से रोटियां बन जाती हैं और अच्छी फूली फूली रोटियां बनती हैं। चलिए अब हम बना लेते हैं अपनी रोटी। जैसे हम नॉर्मल गेहूं के आटे की रोटी बनाते हैं बिल्कुल उसी तरीके की बनानी है। परथन के लिए मैं गेहूं के आटे का ही यूज़ कर रही हूँ। अब बारी है रोटी को सेकने की। ये रोटी ना क्योंकि काफ़ी ज़्यादा सॉफ्ट होती है तो जैसे हम फुलके सेकते हैं ना तवे पर ही एक अच्छे साफ कपड़े की हेल्प से, बिल्कुल वैसे मैं ये सेकूंगी रोटी। अगर आप गैस पे सेकना चाहते हैं तो रोटी को ना हल्का सा मोटा रखिएगा तब अच्छी सेकेगी, अदरवाइज़ क्योंकि सॉफ्ट होती है तो वो अच्छी सेक नहीं पाती है और जल जाती है काफ़ी ज़्यादा ये रोटियाँ। तो बस ये हमारी रोटी बन के रेडी है, अब लगा लेते हैं हम अपनी प्लेट। तो मस्त मस्त यम्मी पनीर भुर्जी, खुशबू बहुत अच्छी आ रही है। और देखिए रोटी मैं आपको दिखा रही हूँ कितनी मुलायम बनी है, देखिए ये कच्ची नहीं है, ये ऐसी ही बनती है और देखिए कितनी मुलायम है। घी लगा के खाइएगा तो स्वाद दोगुना हो जाता है। और साथ में मैंने थोड़ा सा दही ले लिया है। चलिए अब खाया जाए अपना खाना, बहुत तेज़ भूख लग रही है। एंजॉय।